मामा भी आए हैं गार्ड। ये देखिए इनका भारत मिलाप शुरू हो गया। और ये मेरी मम्मी, बीमार है। ये हम लोगों का गिफ्ट है। ये रहा मेरी मम्मी की तरफ से गिफ्ट, ये रहा मेरे काका की तरफ से गिफ्ट, और ये रहा मेरी तरफ से गिफ्ट। ठीक है, मैं इसका फोटो उठा के ना, मतलब क्या मैं डालूंगी, कुछ भी नहीं डालूंगी। ऐसे क्या ट्रॉली का फोटो देना यार। अच्छा ठीक है, तो अभी हम रेडी होने टाइम में आप लोगों से बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग हो रहे हैं रेडी। ये देखिए, ए मेरा पेट दिखा, मुंडा लगी था, लगाएगी कैसन कलर का सज्जे वाला लगा। इधर फ्रैक्ट लगी थी, लग बोई तो हमने नो, इधर फ्रेशी मड़ी शिमड़ी दिला। बाबा बहुत गंदा लग रहा है। ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी रेडी वेडी होके सब मोबाइल का टॉर्च लाइट जला के ना मैं ये सारी बातें कर रही हूँ। गाड़ी पर बैठ चुके हम लोग घर से। मैं इतनी जल्दी थी ना कि बताना ही भूल गई। तो ये देखिए, हम लोग सब रेडी वेडी होके जा रहे हैं अभी शादी पे, और वहाँ पे जाके आगे आप लोगों से बात होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रही है। ये देखिए, इसका तिलक विलक लगा के मेरी माँ और मेरी बच्ची। ये देखिए, दूल्हे राजा आ चुके हैं, गेट पर बैठे हैं। आप लोगों में गेट पकड़ते हैं या नहीं कमेंट में ज़रूर लिखना प्लीज़। हम लोगों में तो ऐसे गेट पकड़ते हैं दूल्हा आने के बाद, दूल्हे से नेक लेते हैं, दूल्हे की सालिया भाभिया, और उसके बाद ये वाला रिबन काट के, और फिर दूल्हे राजा को अंदर ले आते हैं यहीं पर मिठाई वगैरह खिलाकर। तो आप लोगों में ये वाला रिचुअल होता है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, दूल्हे राजा का फेस आप लोग यहीं पर देख लीजिए, और फिर एक बार आप ये देखिए, देखिए बाहर कितने सारा भीड़ है, और ये देखिए अंदर भी दूल्हे को देखने के लिए कितने सारे लोग हैं। और ये जो शूट कर रही है ना, ये मेरी बहन कर रही है। हम लोग पीछे के दरवाजे से आए हैं, क्योंकि हम लोग जब आए थे तब दूल्हे राजा गेट पर बैठे हुए थे, दूल्हे की सालियों से बहस कर रहे थे। वो वाला गाना मुझे याद हो गया अभी, दूल्हे के सालियों हरे दुपट्टे वालियों। वैसे इस गाने के आगे की लाइन्स मैं भूल चुकी हूँ, तो ज़्यादा नहीं पकाते हैं आप लोगों को गाना सुना सुना के, आप लोगों का कान ख़राब नहीं करती हूँ, और वीडियो को आगे ले चलती हूँ। तो हम लोग शादी के घर में पहुँच चुके हैं, और ये रहा शादी का मंडप। ये देखिए, ये रहा उनका पूरा पंडल। गेट से हम लोग नहीं दिखा पाए मैं आपको स्पेशली, क्योंकि क्या हुआ, वहाँ पर दूल्हा आ चुके थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग पीछे वाले रास्ते से आए थे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ शादी में, और अभी मैं आप लोगों को दुल्हन से मिलाती हूँ। ठीक है, ये रही हमारी आज की चीफ गेस्ट, यही है। और वैसे दूल्हा बाहर है जो अभी गेट पर है, और ये रही हमारे दुल्हन। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ठीक है, ये रही हमारी दुल्हन, और दुल्हन के साथ ये कौन कौन है पता नहीं, ये तो मेरा भाई है, इसको तो पता है। अभी ये लोग कौन है मुझे नहीं पता है। ठीक है, ये जो है ये मेरे भाई है। हाँ, तो यहाँ पे हो रही है ये फोटोशूट की तैयारी। उठ जा बहुत हो गया तेरा ठीक ठाक करना। और ये रहे हमारे फोटोग्राफर भैया, जो कि हाथ में क्या कैनन का कैमरा है ना, ये निकोन का, निकोन 750 का कैमरा लेके। और ये रहा ये छत्ता, इसको क्या बोलते हैं बता। और ये रहा हम लोगों का मंडप। चलो इधर एक साइड तो दिखा दिया आप लोगों को, फोटो काफी अंधेरा लग रहा है। तो एक साइड तो देख लिया आप लोगों ने, फोटो का भी चलते हैं दूसरा साइड। ठीक है, यहाँ पे दो दो फोटोशूट का साइड लगाया है उसने, चलिए देखते हैं, दो दो सेटअप है फोटोशूट का। तो यहाँ पे ना मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिल गई थी, सब्सक्राइबर बोलूँ या फ्रेंड बोलूँ छोड़िए जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और उसके बाद ये देखिए, सो यहाँ पे ये रहे हमारे दूल्हे राजा। और
और दूल्हे राजा जहाँ पे बैठे हैं ना वहाँ का डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से किया है, हमारे गांव के हिसाब से बहुत बहुत मतलब 3 गुना ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन किया है। और यहाँ पर एक और फोटोशूट के जगह लड़के वालों के लिए, नहीं ये वाला जो सेटअप है ना ये लड़के वालों के लिए बनाया है। ये देखिए साइकिल को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया है और उसके पीछे भी काफ़ी सारा डेकोरेशन है। तो यहाँ पे एक कैमरा वाला भैया रहता है वो छतरी लेके वाइट वाला, यहाँ पे एक भैया था और ऊपर जो जहाँ पे मंडप सजा हुआ था वहाँ पर दूसरा था। तो अभी हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए, ये रहा हम लोग का खाने का पैंडल। बहुत ये एक बैच बैठा है, इससे पहले एक बैच और बैठा था तो अभी हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। शादी अभी तक नहीं हुआ है, शादी थोड़ी देर बाद होगी क्योंकि शादी का टाइम थोड़ी देर बाद था तो खाने का अरेंजमेंट पहले हो गया। ये देखिए मैं बैठे हैं, मेरी बहन और उधर मेरे दोनों बच्चे। तो मेरी मम्मा कैसी लग रही थी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और ये रहा हमारा खाने का प्लेट, अभी हमने बस दाल लिया है और पापड़ और सलाद था प्लेट में, वही लेकर हम लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए हमारी बहन जी ने खाना शुरू कर दिया है, मैंने भी शुरू कर दिया, एक आध बाइट लेके फिर याद हुआ। तो ये देखिए हमारे रिचुअल्स के हिसाब से ये शीतल पाटी के ऊपर, इसको क्या बोलेंगे शीतल पाटी, हम लोग तो ऐसा ही बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में। जो भी हो दूल्हे राजा बैठ चुके हैं और अभी आएगी दुल्हन, उसके बाद शुरू हो जाएंगे फेरे। ये देखिए आ गई हमारी दुल्हन भी और अभी ना दूल्हे को ऐसे 7 बार प्रणाम करेगी, उसके बाद एक वरमाला डालेगी और उसके बाद 7 फेरे होंगे। ऐसे ही होता है हम लोगों का शादी, पिछले वाले शादी में मैंने बोला था कि बहुत बोरिंग होता है हम लोगों का शादी, तो बहुत सारे लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगा, तो उसके लिए मैं फिर से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी यार, मेरा मतलब बोलने का इंटेंशन वो नहीं था। दूसरों की शादियों पे ना बहुत सारे मतलब ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं ना, मैं बस वही बोलना चाहती थी, अदरवाइज़ मेरे कहने का कोई भी और मतलब नहीं था, बस यही एक चीज़ थी जो मैं बताना चाहती थी। शादी ये शादी का जो सारा सीन है ना ये मेरी बच्ची ने शूट किया है, आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। बहुत भीड़ थी तो मैं नहीं गई, छोटी वाली बच्ची को गोदी में लेकर खड़ी थी अंदर। अभी ये फेरे रह रहे हैं। तो ये देखिए खेल ख़त्म, पैसा हजम, ऐसा ही शादी ख़त्म, तो मंडप पूरा खाली हो गया और मेरी बच्ची अभी प्रसाद खाएगी। वैष्णव है यहाँ पर, उन्होंने प्रसाद लगाया है भगवान को भोग चढ़ा के, शादी से पहले ऐसा होता है हम लोगों का, ये एक रिचुअल है। तो अभी जा रही है मेरी बच्ची मेरी मम्मी के साथ, वो देखिए प्रसाद लेने के लिए। तो अभी वो प्रसाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही थी यार, मतलब रो रही थी, पहन कर रही थी, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। तो फ्रेंड्स ये देखिए शादी की घर की मिठाई, हम जो है ना खा के भी आते हैं और लेके भी आते हैं। सो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के, ये देखिए अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम अभी अभी घर आए हैं। इसको सुला दिया आते ही मैंने मेरी बच्ची को, इयररिंग खोल लिया मैंने, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और थोड़ी सी ठंड भी लग रही है, काफ़ी रात हो चुकी है ना। सो आज का ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फूडीज, टेक केयर एंड बाय बाय।